वेलकम टू माई चैनल तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू कौन जो है वो आपके सपने देख रहा है या किसी को जो है आपके सपने आते हैं या किस तरीके की फीलिंग्स है और वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी आप उसे एज एट इज़ छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेलाइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को इन्जॉय करें

स्पाइसिस uh, एनर्जी है बहुत ज्यादा आप दोनों को एक दूसरे के विजन्स आते हैं या फिर जैसे कि uh, कोई ना कोई एंजल नंबर दिख रहा हो या फिर कोई नाम है स्पेसिफिक नाम है या लेटर है इनिशियल हो सकता है जैसे ए है बी है कोई भी मतलब अल्फाबेट हो सकता है तो वो जो है कहीं गाड़ी पे लिखा दिख गया कोई दुकान पे लिखा दिख गया कोई शोरूम पे लिखा दिख गया तो आपका ध्यान उस पर्सन की तरफ जाता है इस पर्सन के साथ भी यही होता है आप लोग जो जो है 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 मिरर कर रहे हो एक एक दूसरे को एक डर भी है पे जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग जुड़े हुए हो या टेलीपैथिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हो नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है थ्री ऑफ है ऐसा भी हो सकता है हालांकि मैं पॉसिबिलिटी ही बता रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग जो है वो माइग्रेट uh, करे हो गए एक दूसरे से तो दूर हो चुके हो गए या जॉब के कारण या फिर जो है पेरेंट्स का शिफ्ट हो गया हो ट्रांसफरेबल जॉब हो कुछ इस तरीके से तो कोई ना कोई जो है एक दूसरे से दूर है लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है या फिर जो है मैंने कहा था कि सिचुएशनशिप भी हो सकती है तो वो चीज़ भी यहाँ पर है ये पर्सन जो है आपके और ड्रीम्स में देखते हैं और आप दोनों का भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है एक न्यू बिगनिंग एक जो है इन्वेस्टमेंट की तरीके से आप लोग सोचते हो कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप में इन्वेस्ट करा जा सकता है इमोशनली भी फाइनेंशियली भी हर तरीके से और आप भी जो है उसी तरीके से वो सोचते हो तो जो दिल में जगह है वो जो है काफी हद तक सिमिलर है एक दूसरे के लिए नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वॉर्ड है तो जो लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं एक दूसरे से तो वो जो है शादी करने के आ, सोचते हैं या फिर जो है एक जैसे हैवीली आप क्या है बोलते हैं उसे आफ्टर यही बोलते हैं ना वही जो है यहाँ पर वो सोचते हैं तो वो सपने में भी ये चीज़ देखते हैं हो सकता है वो टीवी देखते हों या फिर उन्हें कोई ना कोई सीक्वेंस जो है वो पसंद हो किसी फिल्म का किसी टीवी सीरीज का जो भी है तो उसमें जो है उसमें शादी हो रही है या फिर लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो चीज़ भी जो है वो आपको और अपने आप को एज्यूम करते हैं तो कुछ इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं उनको ठीक है नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टू ऑफ शॉर्ट्स है टू ऑफ शॉर्ट्स जो है वो इनडिसीजन वाली भावना है आपकी हो सकती है उनकी हो सकती है तो रियलिटी की मैं बात कर रही हूँ सपने में तो ये आता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ हो खुश हो या जो भी आप लोगों की इच्छाएं हो लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसमें टू ऑफ शॉर्ट्स है वो इसलिए है इनडिसीजन वाली भावना है कि या तो आपको डर है या उनको डर है या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ जैसे फाइनेंशियल चीज़ हो गई या सोसाइटी का जो है वो प्रॉब्लम हो गई बहुत सारी चीज़ें जो है जो अलग अलग फैक्टर्स हैं मैं नाम लेते लेते थक जाऊँगी तो उस फैक्टर की वजह से आप लोग रियलिटी में डिसीजन नहीं ले रहे हो सपने में है इच्छा भी है लेकिन रियलिटी में डिसीजन नहीं ले रहे हो नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डेविल के की एनर्जी है ये जो ऑब्सेशन है एक दूसरे के बारे में सोचना और इस तरीके से सपने देखना एक फैंटेसी वर्ल्ड में तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन रियलिटी में लाने के लिए आपको जो है एक्शन लेने पड़ेंगे और आप दोनों को एक्शन लेने पड़ेंगे अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना पड़ेगा आपकी जो है दिल और दिमाग की लड़ाई यहाँ पर हो रही है कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है नेक्स्ट आर ए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो और आप एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लोजनेस है आप दोनों में और Uh, एक स्टेबल पर्सन की तरीके से देखते हो जिसके साथ लाइफ लॉन्ग जो है एक फ्रेंडशिप जो है वो आप लोग निभा सको तो जब इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में है ये क्लोजनेस है और एक uh, कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने की भी इच्छा है तो आगे बढ़ो यहाँ पे जो है स्टक फील नहीं करना है क्योंकि समय जो है वो निकल जाता है फिर जो है लोग पछताते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं करना यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की अपनी गट फीलिंग की सुननी है और आप वो कर पाओगे नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आया तो फैमिली बनाने की एक तरीके से फैमिली मेम्बर ही एक दूसरे को मानते हो तो ऐसी एनर्जी है तो बस अगर हो सकता है तो आप लोग जो है जरूर आगे बढ़ो तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सूदिंग सी एनर्जी आ रही है कि जिसमें जैसे क्या बोलूँ मैं कि जैसे ठंड का माहौल है या ठंड है सीजन के हिसाब से ठीक है अभी तो नहीं है लेकिन सीजन के हिसाब से जो है वो ठंड है तो उसमें जो है जब बहुत समय बाद धूप निकल आती है तो कितना मतलब अच्छा लगता है या सूदिंग लगता है वार्म लगती है कि हाँ आज जो है हम धूप में बैठे हैं या धूप में को कर पा रहे हैं तो वही जो एनर्जी है वो आप दोनों की है एक दूसरे के साथ तो बस उसको प्रैक्टिकलिटी में जो है वो लेकर आना है नेक्स्ट आर ऑफ पेंटिकल्स अगर आप लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सेल्फ सफिशिएंट हो और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है तो आप एक डिसीजन बनाओ एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि यहाँ पे जो है ये करना है और इतने समय के बाद जो है शादी करनी है या ये चीज करनी है अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करो इस तरीके से सोचो आ, मतलब पीछे नहीं हटना है नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया यहां पे है यहाँ पे स्टेबिलिटी है सिक्योरिटी है आप लोग खुशी महसूस करना चाहते हो एक दूसरे के साथ और वो चीज जो है वो आप लोगों को दोनों को सुकून भी देगी प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगी नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ जो है वो यही चीज है कि लास्ट में आ रहा ऑफ कप्स है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ यही चीज है लियो एनर्जी है कॉन्फिडेंस है एक रिस्क लेना है रिस्क से मत डरो जो लग रहा है फील हो रहा है उसके फ्लो के साथ चलो तो यहाँ पे ये यह चीज जो है वो आपको ज्यादा सिखाई जा रही है बताई जा रही है और आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है ये पर्सन जो है मैंने पहले भी कहा था आपके फ्रेंड हो सकते हैं या जिससे आपका लविंग रिलेशनशिप है किसी भी तरीके से आपका अटैचमेंट है उनका अटैचमेंट है तो आप डीपली एक दूसरे की केयर करते हो या वरी करते हो परवा है यहाँ पे तो उस इंसान के साथ अगर आप ऐसे में आ सकते हो इस तरीके का रिलेशनशिप बन सकता है तो आप जरूर करें तो ये एनर्जी है यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या आ रहा है लव कार्ड्स में तो पहला आ रहा है यहाँ पे ये यह आया है और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ये आया है तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप फील कर रहे हो डीपली फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो आपको भी उनके सपने आते हैं उनको भी आपके सपने आते हैं लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो अपने इंट्यूशन को आप इग्नोर कर रहे हो और दि दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हो मैं ये नहीं कह रही दिमाग की नहीं सुननी है दिमाग की ज़रूर सुननी है क्योंकि लाइफ उसी पर चलती है लेकिन अगर इंट्यूशन कह रही है तो रिस्क भी लो क्योंकि तो रिस्क से जो है आपको पॉजिटिव ही यहाँ पर मिल रहा है तो चलिए देखते क्या आ रहा है इमेजिन ऑल अनवॉन्टेड था इन टू लाइट क्रिएट रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर याइफ तो यहाँ पे यही चीज है कि आपके जो भी अनवॉन्टेड थाट्स हैं जितने भी जो माइंड में चैटर चलती है ये होगा वो होगा पता नहीं क्या सोचेगा कौन क्या सोचेगा ये सब तो उस चीज को आप डिजोल्व कर रहे हो आप न्यू ऑपरचुनिटीज को या न्यू पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ बना रहे हो तो आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा नेक्स्ट आ रहा माय दो फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांजेंट स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग तो यहाँ पे यही चीज है कि फिजिकली आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन ये चीज है कि आप लोग एक दूसरे को टेलीपैथिकली मैसेजेस भेजते हो या फील कर पाते हो यहाँ पे ऑफ कप्स भी आया है ये पास्ट लाइफ से पर्सन भी हो सकते हैं हालांकि जरूरी नहीं है तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपका बेहद लगाव है आप उन्हें एक फैमिली की तरीके से ट्रीट करते हो और वो भी आपको एक फैमिली की तरीके से ही ट्रीट करते हैं चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव तो ये महसूस कर पा रहे हैं वो नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई कुड हैंग आउट विद यू ऑल डे तो वो जो है ये महसूस करते हैं कि आपके साथ पूरे दिन का वो टाइम स्पेंड कर पाते हैं और खुशी से कर पाते हैं नेक्स्ट आ रहा है लाइफ इज शॉर्ट लिव इट लव इज रेयर ग्रैब इट मेमोरी स्वीट चेरिश इट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ये वो पर्सन है और उनके सपनों में आप आते हो वो कहेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है लेकिन वो सपने में जो है आपके भी आते हैं और आप उनके भी आते हो नेक्स्ट आ रहा है लव इज ऑफ ऑल पैशन द स्ट्रोंगेस्ट फॉर इट अटैच साइमिल्टेनियसली हेड हार्ट एंड सेंस नेक्स्ट आ रहा है यू कैन ऑलवेज फाइंड योर ओन हैप्पीनेस इन द स्माइल ऑफ़ द वन यू लव और नेक्स्ट आ रहा है वी आर वन सो लेट्स मेक अ सागा और नेक्स्ट आ रहा है फ्री तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको ये जो मेंटल प्रिज़न है या दिमाग में ज़रूरत से ज्यादा सोच रहे हो ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे उसको हटा के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या परिस्थिति है सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ो तो ये एनर्जी है चलिए देखते हैं इसके लिए कुछ चांस यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलने के पूरे पूरे चांसेस है नेक्स्ट आ रहा हॉर्स आया है डियर आई है तो एक एनिमल लव भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्लस एडवेंचर का या स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है एक ऐसी एनर्जी है कि आपको क्विकली जो है वो रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप बनी होगी और आपको डीपली अटैचमेंट बहुत तेजी से हुआ होगा नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डियर आई है तो शाइनेस है तो शाइनस जो है वो यही एनर्जी है कि आप लोग जो शाइनेस के चक्कर में छोड़ रहे हो कि वो पहले अप्रोच करे वो पहले अप्रोच करे उस चीज को छोड़ो एक्शन लो और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल विद हेड आया है तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके पास सारे चैलेंजेस के सोल्यूशन हैं और आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग My heart will go on Titanic. इससे बढ़िया गाना कोई नहीं हो सकता ये उसी तरीके का रिलेशनशिप है कोई सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि आप दोनों के बीच में अटैचमेंट इतनी जल्दी हुआ है कि आप लोग एक दूसरे की कंपनी को या कह सकते हैं पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे जैक एंड रोज था टाइटैनिक मूवी में वही चीज़ है कि हो सकता है डिफरेंसेस हों आपके बीच में लेकिन यहाँ पे खुशी जो है वो ज़्यादा मायने रख रही है अगर आप ज़्यादा सोचोगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे तो ऐसी एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का नेक्स्ट आ रहा है तेरी मेरी बॉडी मूवी का तो इसी तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं इसी तरीके फीलिंग्स जो डीपर फीलिंग्स है वो ये है तो ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू